अरे तो दो एलिगेटर छुपे हुए थे, भागना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेयर, इसका नाम आरियम। हो, तो आ गए फिर से। तो कैसे मेरे प्यारो, आई होप सो आप काफी ज्यादा मस्त होंगे, क्योंकि आज का गेम प्ले काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आज के इस गेम प्ले में हम जाने वाले हैं कल्ट कैंप। हाँ, आई थिंक इसका यही नाम होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे मुर्गियाँ पकड़ रहा था, वो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज मेरे को काफ़ी सारी हेल्थ चाहिए थी और मेरे पास हेल्थ की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमें हेल्थ को इकट्ठा करना चाहिए। तो मेरे को लगा ट्राइड 5 का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे मैं देखता हूँ गाइस, यहाँ पे इन्होंने है ना वो हटा दिया, मिशन वाला पहले होता था इनके बीच में, जिससे हम ज़्यादा मिशन करते थे तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते थे, वो हट गया, क्या करें भाई। लेकिन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, देखो ये बायूम में जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाई। लेकिन अपन अब जाएगा काइप्रेस स्वेल में। देखो कल्ट्स कैंप में पिछली बार गया था, मेरे को याद आ गया कि मैं बहुत ज़्यादा पिटा था वहाँ पे, इस वजह से मैं वापस से आ गया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम इतनी दूर सर्वाइव करके हम आ चुके थे काइप्रेस स्वेल, जहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल है जिससे हमें ब्लैक लेदर मिल सकता है। क्या आपको लगता है हम ब्लैक लेदर को इकट्ठा कर पाएंगे, वो भी खूब सारे? क्योंकि ये प्लेस मेरे को ठीक लगा, बिकॉज जो हमारा इससे पहले जहाँ हम इकट्ठा करते थे, कमेंट फटाफट से बताओ अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते तो। और यहाँ पे ब्लैक पैंथर मिलता है। ओ भागो भाई, भागो भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो मेरे से बड़ा ही है भाई। एक सेकंड, फाइनली हमने इसको हरा दिया। और हमें यहाँ से मिले चार लेदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक थे, मतलब बेकार नहीं थे। यहाँ से मेरे को एक ही हीलिंग मिली बस। और यहाँ पे मेरे को आते ही एक क्रोकोडाइल मिलता है, जिससे मेरे को 6 के लेदर मिलने की उम्मीद थी बट नहीं मिला। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जैसे मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे ये जो होते हैं ना झाड़ियों में छुपे हुए लोग, भाई झाड़ियों में छुपे हुए, मतलब इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, झाड़ी में छुप छुप के मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रकून्स होते हैं उनको भी यहाँ पे मैं टपका देता हूँ, बिकॉज हमें चाहिए थी खूब सारी लेदर। देखो रियलिटी में ऐसा करना बहुत बुरी बात है, लेकिन गेम में तो हम ऐसा मचा ही सकते हैं। और मैं भी इन झाड़ियों में थोड़ी देर मजे करता हूँ, फिर उसके बाद मेरे को मिलता है ये बॉक्स। इसके अंदर क्या निकल सकता है? तो इसको मैं ओपन करने ही वाला था इतने के अंदर, भाई ये लूरिक्स भाई ये मेरे को लेदर तक नहीं देता, और मेरी हर एक वेपन के 2 बुलेट्स खा के भागता है। तो इसको एक रैप्टर तो मारना ही चाहिए। तो यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, बिल्कुल बेकार लूट होती है इस बॉक्स में। और थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मेरे को रकून्स मिल जाते हैं और इनको मैं दुआर से टपकाता हूँ। यहाँ पे मेरे को ट्राइड 1 का इनसे लेदर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। और यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे ये भाई पता नहीं झाड़ियों में कैसे छुपे रहते हैं। तो बिकॉज इनको मैं दोबारा से टपका देता हूँ, अरे भैया जी तुम लोग है ना थोड़ा खाना वाना खा के आया करो, इस बार अपन लेदर पहन, ओ अपना जो आर्मर है बहुत है स्ट्रॉन्ग, और तुम लोगों की ये जो छोटी छोटी गोलियाँ हैं ना मेरे ऊपर बिल्कुल सुई जैसी छुपती है, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ऐसा कह रहा था, लेकिन गाइस पानी में इतना ज़्यादा स्लो और सही आ गया। ये आने से पहले इसको मैंने टपका दिया, बट गाइस ये लोग भी 2 बुलेट्स खा के जाते हैं। इतना ही हो रहा था तो मेरे को काफ़ी सारे लेदर अभी भी ढूंढने थे, और मेरे पास सिर्फ एक ही हेल्थ के लिए थे, बाकी सारे बेकार चीज़ें थी। यहाँ पे मैं, अरे भाई मेरा बंदा पागल हो गया, बंदा पीछे गोली आगे क्यों चला रहा भाई, आगे व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद मेरे को कुछ एनिमलों की और तलाश थी जो कि मेरे को नहीं मिली। और यहाँ पे भाई इन झाड़ियों में, ओ नहीं मेरा प्यारा दोस्त, ऐसे कैसे तू यहाँ पे टपक गया? नहीं नहीं नहीं, इसने मारा तेरे को, इसने मारा तेरे को, नहीं नहीं मेरे प्यारे दोस्त अब तू अपनी लूट मेरे को दे दे। इतनी जोक था, ये बहुत बड़ा जोक था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद इसके पास से मेरे को एक फिश मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है। ऐसे 10 फिश इकट्ठा करने के बाद हम अपने कोई भी वेपन को फ्री में रिपेयर करा सकते हैं, ऐसे होता है। और भैया जी ये बैंडेड भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल के पागल होते हैं, जो कि पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। और ये देखो इतने दूर से पानी में से चला रहा था, भैया जी तुम पानी में ही डुबा देंगे बिल्कुल। इनको डुबाने के बाद मैं वापस से आ जाता हूँ, और मेरे को तलाश थी ब्लैक पैंथर की, ये क्या है, तो मैं वापस वहीं आ गया। तो मेरे को ब्लैक पैंथर की तलाश थी, लेकिन ब्लैक पैंथर मेरे को मिल नहीं रहा था, क्योंकि वही मेरे को सबसे ज़्यादा लेदर दिया अब तक। और जी ये लूरुक्स है भैया जी, एक एक लेदर देते हैं, इनसे तो कुछ होता भी नहीं। और ये मार्को डॉग भाई जी, इतने खतरनाक डॉग रखते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? एक सेकेंड इसको भगा दूँ भाई। ओ भाई मेरे पीछे पड़ गया, ओ भैया पानी के इस पार नहीं आ पाता क्या? बहुत मस्त है भाई, पहले तो नहीं आ पाता, पता नहीं कैसे आ ही गया। तो मालिक कौन है, तुम दोनों कौन है बताओ, कि गोली मिलेगी दोनों को? भैया जी वो मेरे को काट लिया, इंजेक्शन को लगवाया मेरे को इंजेक्शन। ओ भैया जी क्या गिरा, मतलब जो गिरते हैं ना नेक्स्ट लेवल मजा आता है, मतलब ये जब तब हमको मारते हैं ना फालतू में। और मैं ये रखूँ दे रहा, और यहाँ पे ये कौन था भाई? एलिगेटर, एलिगेटर भागो भागो भैया जी। ये इतनी तेज़ी से अपन की हेल्थ को डाउन करते हैं ना, इतनी से भी इससे भी ज़्यादा।
एक सेकंड, ये ऑनलाइन बंदा भैया जी जाओ तेरे को पकड़ाता हूँ भैया जी, दोस्त करके कुछ नाश्ता मतलब गया यहाँ से। और ये देखो फाइनली इसके पास से मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई, यहाँ से मेरे को 4 लेदर और मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं मेरे को काइप्रस के कुछ बोर्ड्स यहाँ पे कुछ वो भी मिल जाते हैं, जो कि मैं रख लेता हूँ अपने बैग को भी चेंज कर लेता क्योंकि ये बैग में काफ़ी सारे स्टोरेज थे। तो ठीक थोड़ी देर बाद मैं दोबारा आता हूँ। और भैया जी ये देखो ये दोनों के दोनों कैसे मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैंने कहा रुको जरा इन दोनों को टपकाते हैं फिर हम ढूंढेंगे, और यहाँ पे जितने भी काइप्रस के ट्री है ना इन सबको चोप भी करेंगे। और भैया जी ये देखो भाई पड़ गए मेरे पीछे, भागो अब तो भागना पड़ेगा भाई, ये दो ऐसे मेरे पीछे पड़ गए जैसे मैंने क्या ही कर दिया, मतलब एक के ऊपर अटैक करो दूसरा अपने आप ही आ जाता भाई, दोनों जिगरी दोस्त हो सकते हैं। और फाइनली बदतमीज लोंडे अभी मैं देख नहीं रहा, बहुत बिजी और स्कूली बोले टोपी को सर पे पहनते तो पीछे टांगे क्या करा भाई क्या करा, व्हाट इज दिस। और भाई फाइनली मैंने इन दोनों को टपका दिया, काफी था मुश्किल था, अगर ये वेपन मेरे पास नहीं होता ना तो अपन की यहीं पे पुंगी बज जाती। बट गाइस अपन ये वेपन लेके आया था क्योंकि मेरे को पता था कि इसका यूज होने वाला है, मतलब इतनी खतरनाक जगह पे ये गन यूज नहीं हुआ तो क्या ही यूज होगा। अब मेरी जो टच गन है भाई वो तो अब टट्टी गन बन गई पता नहीं कैसे। बट गाइस यहाँ पे मैं ना काफी ज्यादा सिक्योर होके आता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को काइप्रस की ट्री तो दिखती है, लेकिन मेरे को जो साउंड आता है ना वो नेक्स्ट लेवल आता है, अभी मैं आपको दिखाता ही है। बस एक सेकेंड मैं यहाँ पे जाता हूँ, भाई देखो अचानक से भाई इसने मेरे को डरा दिया, झाड़ी में भाई दो दो एलिगेटर छुपे हुए थे, अगर यहाँ पे आपकी स्पिरिट कम होती तो आपको भाई ये इस तरीके से मारते जिस तरीके से इन्होंने मेरे को कल्ट कैंप के अंदर मारा था, मतलब मैं डर गया भाई अचानक से यहाँ पे क्या सामने आ गया। बट गाइस अपन का स्पिरिट ठीक ठाक है और मैं कोई अपना एनिमल पैट भी नहीं बनाता जो कि काफ़ी ज़्यादा मत था मेरे लिए, लेकिन यहाँ से मैं भाई मैं अलविदा कह के निकलता हूँ और यहाँ पे मेरे को मिल जाता है वो लिरिक्स ब्लैक बियर, और भाई इससे तो भागना पड़ेगा। ये देखो देखना मेरी एच पी देखना कितनी तेजी से कम करी इसने, इसमें तो मेरे को ये ख़त्म ही कर देगा बट अपन इससे बच जाएगा बार बार। ओहो भाई फाइनली अपन ने टपका दिया, नहीं यस अपन ने मार दिया इसको। इसके पास से मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लेदर मिले, उतने ज़्यादा नहीं कह सकते, तो यहाँ पे कुछ कैप्रेस के ट्री होते हैं जिनको यहाँ पे गिराता हूँ और यहाँ पे चोप कर ही रहा था, उतने में ये बदतमीज लोग वापस से आ जाते हैं तो इनको भी मैं दूर कर देता हूँ अपने से। और मेरे पास टोटल मेरे ख्याल से 10 या 12 लेदर इकट्ठे हो गए हैं और मेरी वेपन की हेल्थ देखो आधी से भी कम हो गई, अभी भी सर्वाइव करना बाकी है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जैसे मैं आगे सर्वाइव कर रहा होता हूँ तभी मेरे को अचानक से ये काइप्रस के ट्री दिखते हैं, इसको भी मैं चोप कर ही रहा होता हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पे रकून दिखता है, इस रकून को पहले ढिलाते हैं भाई। इसके पास से जो ड्राइड बनता लेदर मिलता है ना वो वाटर बॉटल बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और फाइनली मेरे को ऐसा लगता है मैंने पूरी की पूरी जगह को यहाँ पे मैंने खाली कर दिया, अब कोई बचा है तो मेरे सामने आओ, तुम्हारी भैंस की टांग कहाँ जाओगे तुम लोग। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने 19 लेदर इकट्ठे कर लिए जो कि ठीक थे, इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। और इसके बाद अपन जाने वाला है कहीं और ही जा रहा था, लेकिन इतने में भाई ये देखो ये लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, और थोड़ा और आगे जाता हूँ भाई। ये ऑनलाइन प्लेयर इसका नाम क्या नाम रखा था भाई इसने एक सेकेंड SELEM सलीम भाई जिसने है ना पैंथर का नाम सलीम रखा था, मतलब देख रहे कुछ भी भाई गदर है भाई, हो सकता है भाई इसका जिगरी दोस्त भी ऐसा ही हो तो क्या कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्राई करके वापस से कितने सारे लोगों को मारा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई इतने सारे एनिमल इतने सारे भाई गैंगस्टर को मार दिया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, आया एक थप्पड़ मारो ना मेरे को आके। हाँ तो गाइस फाइनली हमने इस पूरे काइप्रस वेल को बिल्कुल खाली कर दिया, मेरे को लगता नहीं कि और कोई भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जितने भी ट्रीज थे इन सबको मैं यहाँ पे चोप करके अब यहाँ से मैं वापस अपने रिटर्न अपने टाउन पे जाऊँगा, बिकॉज गाइस वहाँ पे अपने लेदर को एक मज़ेदार से लेदर में भी तो कन्वर्ट करना है। तो गाइस नहीं आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नारा।